मैं जरा सब्जी मंडी जा रहा हूँ, वो बसेसर लाल जी के यहाँ ना आमों की पेटी पहुंचा दूँ। सोच रहा हूँ सूरज जी, घर में सब लोग कहाँ गए? भाबो, भाबो, इसके हाथ में क्या है? मेरे दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी, चाचा, चाची, हम सबको माफ कर दो। एएसपी ताई साहब, सॉरी। तो संध्या बिंदनी, हमें तो समझ ही कोनी आ रहा था कि किस मुंह से थारे से माफी मांगे, इसलिए कान्हा ने आगे कर दिया। साहब, किस बात की माफी? सबसे पहले माफी तो थारा काम, और काम से जुड़ी जो थारी इज्जत है वो हम समझ ही को नहीं पाए, इस बात की हम माफी मांगते हैं। बाबा साहब, ये सब भला कैसी बातें कर रहे हैं आप? रात गई, बात गई, अब तो सब ठीक है ना? सूरज बेटा, तू अब कुछ ना बोल, हमें कहने दे जो कहना है। संध्या बिंदनी, हम लोग समझ ही को नहीं पाए कि थारे को जो सरकारी ताकत मिली है उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी मिली है, इसलिए आज हम थारे से माफी मांगते हैं। कैसी बात कर रहे हैं बाबा साहब? हाँ भाभी, ये दिल से कह रहे हैं हम, आपका रुतबा, आपकी ताकत देख के हम थोड़े से भाग गए थे, अनजाने में हम ये मनमानी कर बैठे हो, हम सबसे गलती हो गई, लेकिन अब भाभी अच्छे से समझ में आ गया हमें कि दुकान घर की है और आपकी नौकरी सरकार की, इसलिए भाभी अगली बार ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी हमसे, बस आप हमें माफ कर दीजिए। ऐसा मत कहिए विक्रम भैया। जी, मारे को भी माफ कर दीजिए, अरे ये ना हमारी जो जबान है इसको तो काटे फेंक देनी चाहिए, मुफ्त की चीज जहां देखी अब लबलब आ गई, हद होती है हर चीज की, लेकिन एक बात बताओ, उस दिन जेठ जी ने उस मैनेजर को पैसे देने के लिए बहुत बोला, हम सब थे वहां पर उसको माना ही कोई, हमें लगा कि सरकार ने जैसे नीली बत्ती वाली गाड़ी दी है, आप वर्दी ली दी है, तो ये सारी सुख सुविधाओं का हम भी फायदा उठाने लगे, लेकिन हमें क्या पता था कि मुफ्त का खाना बदहास भी कर जाएगा। वो गलती हो गई थी मीनाक्षी, लेकिन जाने क्यों उस मैनेजर ने मीडिया वालों से ये क्यों कहा कि हमने उसे पैसे नहीं दिए, जबकि मैंने खुद उसे अगले दिन सारे पैसे भिजवा दिए थे। भिजवा दिए थे? फिर उस टीवी वालों के सामने झूठ क्यों बोला? वो तो मुझे भी जानना है। हाँ जेठानी जी, छोड़ना को नहीं उसको, वैसे मैंने और भी तो गलतियां की हैं, आपके नाम को धोसा धोसा करना, लोगों से फ्री की चाट, टेलर वाले से फ्री का ब्लाउज सिलवाया है, और भी क्या बोलूं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। आगे से मैं तो बिल्कुल ऐसा ना करूंगी जो आप पे इतना भारी पड़े, सचमुच मारे को भी माफ कर दीजिए। ऐसा मत कहो मीनाक्षी, जेठानी जी मुझे भी माफ कर दीजिए।
बेनड़ी। बाबू आप प्लीज कुछ मत कहिएगा, फिर ही सुन पाऊंगी। बेनड़ी क्यों ना बोलूं कुछ, तू बहुत बड़ी होगी, और हाँ बेनड़ी मैं अगर बोलूंगी ना तो छोटी ना बढ़ जाऊंगी। देख बेनड़ी, इंसान छोटा बड़ा ना हो बल्कि उसके कर्म, उसकी अच्छाइयां, उसकी गलतियां छोटी बड़ी हो वह। मारुशोर से ही कह रही तो कि तूने तूने कदे मना न किया अपनी कोई चीज के वास्ते। अब मारे को पूरा विश्वास हो गया है बीरणी कि अगर मांगती ना तो तू तो अपना कालजा काट करके ना मारे हाथ में धर देती। और भी मैं ही कहीं भूल गई, तू जब छवि के नकली गहने निकले तो तूने इस परिवार का सम्मान इज्जत बचाने के लिए अपने गहने ला करके छवि के ससुराल वालों के हाथ में धर दिए। अपने पियर के गहनों से बढ़कर तो कोई चीज ना होगा ना एक औरत के लिए। कहीं भूल सकूं मैं सब भावुक ना भी। बोलने दे मारे को, तूने हमेशा इस परिवार, इसके सम्मान, इसकी इज्जत के लिए बहुत कुछ किया है बीनड़ी, पर जो चीज थारी नहीं तू कहीं दे सके। तूने हमें समझाने की बहुत कोशिश की पर हम ही समझ ना पाए, कानों में रुई ठूस कर बैठे थे ना, तो थारी आवाज भीतर कहीं जाती। पर ना बीनड़ी समझ में आ गया कि तूने मोहित की मदद क्यों ना की थी। मैं तारे को कहूं ना भी नहीं, अब परिवार का कोई भी सदस्य तारे नाम का गलत इस्तेमाल को नहीं करे। विश्वास रख भी नहीं, इस घर के वजह से तारे को किसी के आगे नीचू नहीं देखना पड़ेगा। बस बाबू और कुछ बोलकर मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। संतोष क्यों बिंदनी ने बार बार शर्मिंदा कर रही है? थारी को संध्या बिंदनी को देख के पता को नहीं चल रहा है कि उसने हम सबने माफ कर दिया है? अब संतोष इस बात पर एक अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बनती है कि नहीं? संध्या बिंदनी हमारे लिए एक कप बना देना। जी बाबा साहब अभी लेकर आए। एक क्यों, मैं भी पीऊंगी। और भाभी तीसरा वाला मेरे लिए। आज तो मैं भी आपके हाथ की चाय पीऊंगी। और जेठानी जी मैं भी। सूरज जी आप? अरे हाँ मैं तो सब्जी मंडी जा रहा था। बाबू मैं वो सब्जी मंडी जाके आ रहा हूँ आम की पेटी लाने। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।